कहावत है गई भैंस पानी में। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ, गया पानी भैंस में। हाँ तो भाई लोगों, क्या हाल चाल है आप सबके, वेलकम बैक हो गया तुम सबका भूपको भाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारे मुल्क में सिफारिश इस कदर बढ़ गई है कि अगर एक पाव गोश्त भी लेना हो तो चाचू बोलते हैं दुकानदार से मेरा नाम लेना, दुकानदार गोश्त सही देगा। अपनी हरकतों से दूसरों को हंसवाना हो या रोड पर बैठे हुए चाचा जी को तंग करना हो, हम पाकिस्तानी इसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते। चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड किए जाने वाले पाकिस्तानियों के कुछ ऐसे फनी मनाज़िर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लोग हमसे जल रहे हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं। तो ये वीडियो आपको दूर से पसंद आएगी, आप सबने इसे एंड तक देखना, लाइक करना आपकी मर्जी है, पर चैनल को दूसरे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे सबसे पहले वीडियो क्लिप में देखे हैं, ये लड़का तो नो पार्किंग का बोर्ड ही उखाड़ कर कबाड़ियों को बेचने के लिए जा रहा है। और जब रोड पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है तो ये भाई साहब अपनी बाइक को फुटपाथ पर ही चढ़ा देते हैं। और ये भाई साहब अपने घर से निकलते तो एक जिंदगी का हमसफर ढूंढने की तलाश में है, लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। बेकोर भाई साहब राह हक में शहीद होने के लिए जा रहे हैं। और इस जगह बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पर गंदगी डालना मना है। तो चलिए फिर आपको इस जगह की सफाई भी दिखाते हैं। और इस वीडियो क्लिप में देखें कि ये कैसे पानी का पाइप इन अंकल जी से डांस करवा देता है। और ये लड़के अपने दादी जी को रंग वाला लॉलीपॉप खिला देते हैं और फिर देखें इनकी दादी जी का रिएक्शन। दिखाओ जरा, लाठी आएगा? हाँ जी लाठी आएगा। दोस्तों हर छोटी सी छोटी चीज पर खुश हो जाना और हर बात पर चश्मे उठाना मानो पाकिस्तानियों को विरासत में मिला हो। जैसे इस वीडियो क्लिप में देख लें, यहाँ पर ये पाकिस्तानी चश्मे उठाने के लिए ट्रक के ऊपर रस्सियाँ बांधकर इसको झूला बना देता है। इसको तो अपनी जान की भी परवाह नहीं है। और जब ये भाई साहब क्रिकेट खेलते वक्त पहली बॉल पर ही आउट हो जाते हैं तो फिर जरा इनके काम भी चेक करें। और जरा अब आप लोग इन आंटी जी को फ्री की राइड लेता हुआ भी देखें। और इन आंटी जी को देखने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये आंटी जी डांस कर रही हैं या फर्श साफ कर रही हैं। अगर आप में से किसी को समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। और दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत से हेयर स्टाइल देखे होंगे, लेकिन इस हेयर स्टाइल के तो क्या ही कहने। ये कौन है? ये शबनम का आशिक है, शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। और ये अंकल जी इस झूले पर पहली दफा बैठे हैं। शुरू शुरू में तो अंकल जी मजे ले रहे होते हैं, लेकिन जैसे राइड तेज होती है तो बस फिर हो जाता है अंकल जी के साथ सीन। और दोस्तों कई सालों से हम अपने मुंह के ऊपर गलत तरीके से पाउडर लगाते आ रहे थे, चलिए देखते हैं पाउडर लगाने का मुंह के ऊपर सही तरीका कौन सा है। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, पाउडर लगाना कब सीखोगे? चलो आज मैं तुम लोगों को पाउडर लगाना सिखाती हूँ, देखो। और जब इस लड़के के घर बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है तो देखिए फिर ट्रांसफार्मर के नीचे खड़के क्या कहता है। देखो ट्रांसफार्मर, ये सारी बिजली मेरे घर ही जाती है, 10,000 रुपया बिल आया है, शवाद शरीफ है कोई दादा खौफ कर। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया। जब ये बच्चे अंकल जी के पास फटा हुआ नोट लेकर चीज लेने आते हैं तो अंकल जी ने बोलते हैं कि ये नोट नहीं चलेगा। तो इन बच्चों के काम देखें, ये घर से नोट सिलवा कर ही ले आते हैं। और यहाँ पर देखें ये कुछ दोस्त पैसे मिलाकर प्रोग्राम अरेंज करवाते हैं, तो चलिए देखते हैं इनके प्रोग्राम के साथ क्या सीन होता है। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और जब पाकिस्तानियों की कोई चीज गुम हो जाए और वो अपनी मम्मा से पूछे क्या आपने हमारी वो वाली चीज देखी है, तो ले फिर पाकिस्तानी मोम, अम्मा मेरी कार्टून वाली टी शर्ट कितने आ? मेरे सिर चे जिथे रखी लग लो।
और इस वीडियो क्लिप में देखे ये लड़की इस गंजे से अवार्ड देने के बाद इसके साथ क्या सीन करती है। और अब आप लोग जरा इस रोटियां लेने आए हुए लड़के को भी देखें जिसके साथ बैठते वक्त प्रैंक हो जाता है। और अब आप लोग जरा मैच जीतने की खुशी में इस लड़के को विकेट पार से जंप करता हुआ भी देखें। और जब ये अंकल जी इस बिजली के बिल को इस घर के अंदर फेंकते हैं तो कोई बिल को वापस बाहर ही फेंक देता है। और इस अंकल जी के काम चेक करें जो के पीछे आती हुई आंटी को इंप्रेस करने के लिए पानी के अंदर ही कलाबाजी खा लेते हैं। और वैसे आपस की बात है जो पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हैं ना उसके तो क्या ही कहने, जरा आप लोग ये वीडियो क्लिप चेक करें। दोस्तों आज से पहले आपने ड्रिप इंसानों को लगती हुई देखी होगी लेकिन इन भाई साहब ने ये ड्रिप बाइक को लगा रखी है। क्या कारीगरी है इस कारीगर। और इस लड़के का मेल लगमा सुनने के बाद मुझे खुद भी बड़ी हंसी आई है। अगर आप भी सुनो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये मेल लगमा कैसे लगा। मैं वैसे तो दिलदार हूँ पर सोच से मैं बेकार हूँ, मेरे सीने में लाइबा, मेरे गुर्दे में आयशा, मेरे फेफड़ों में कुलसू, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। इस वीडियो में जरा इन अंकल जी की इंग्लिश चेक करें, शायद से अंकल जी बड़ा गुस्सा हो जाते हैं मरियम नवाज नवाज शरीफ के ऊपर। माय डियर नवाज शरीफ एंड शिबाज शरीफ एंड मरियम शरीफ एंड लंदन शरीफ, यू आर पार्टमेंट इन द लंदन बाय बाय। और इन अंकल को भी देखें जो के स्टेडियम के बाहर इंग्लिश में होके लगा के आइसक्रीम बेच रहे हैं। प्लीज सिट डाउन, ओके ऑल द बेस्ट पाकिस्तान, जीतो खेलो पाकिस्तान, चलेंगे सेल सेल सेल, टेन वाली कुल गिटार पे दी तक 20 वाली भी दी, चलो बच्चों चलो बच्चों। बाकी साहब तो ठीक है अंकल जी लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं ये क्या है, टन वाली कुल फिडार पे दी ते वियां वाली कुल फिवीर पे दी। दोस्तों जब से ट्रैफिक पुलिस वालों ने कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर सख्ती करना शुरू की है तब से ये उसका अल्टरनेट भी ढूंढने में लगे हुए हैं। जरा आप इस बच्चे के काम चेक करें। इस वीडियो क्लिप में जरा इस कारी साहब को भी देखें जो कि इस लकड़ी को तोड़ने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। और इस बंदे के साथ तो ये जूती भी सीन कर जाती है। और ये शेख साहब शायद से आज ताज़ा मुसलमान हो गए हैं, वैसे यार इनका गुस्सा करना जायज है। इसकी बात की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, वैसे इसके रिएक्शन टैट है बड़े। वेल तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को दूसरा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्क्रीन पर आई गई वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं, ये भी एंटरटेनमेंट का फुल डोज है।